गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडिंग ग्रामर सेक्शन इन विच वी हैव स्टडीड हाफ पार्ट अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉरवर्ड सो व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय जब दो सिंगुलर नाउन कनेक्ट होते हैं और नॉर ईदर और नीदर या नॉर से द वर्ब इज़ सिंगुलर तो वर्ब को हम सिंगुलर ही बोलते हैं बिकॉज एज यू नो कि जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम उस वर्ब को प्लूरल बताते हैं ना लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर ईदर नॉर इनके यूज़ से क्या हो जाएगा उसको हम सिंगुलर में ही काउंट अप करेंगे वैन द नाउन by or और नॉर ईदर और नीदर नॉर nor आर प्लूरल द वर्ब इज़ ऑल्सो प्लूरल और जब जो नाउन जॉइन करते नीदर सिंगर्स नॉर द कॉमेडियंस वर प्रजेंट सो इसको हम किस में काउंट करेंगे प्लूरल में बिकॉज यहाँ पे कॉमेडियंस और सिंगर्स हमें दिख रहा है यहाँ पे हमें कैट डॉग्स नहीं था कैट और डॉग था वेन द नाउ जॉइंड बाय ऑल नॉर ईदर और इधर नॉर आर डिफरेंट इन नंबर और पर्सन द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट इज नियरर टू इट तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ का मालूम नहीं चल रहा है लाइक नीदर आई नॉर माय फ्रेंड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट तो यहाँ पे वर्ब जो है यहाँ पे हमें उसका बिल्कुल कुछ क्लियरेंस नहीं मिल रहा है सो ऑफन द वर्ब इज़ मेड टू एग्री नंबर विद अ नाउन नियरर टू इट इंस्टेड ऑफ़ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट दिस शुड बी अवॉइडेड एज शोन बिलो सो दिस शुड बी अवॉइडेड लाइक द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड तो यहाँ पे मैंगो से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल में है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी हेज बेवरेजेस इन द कैंटीन हैज़ बीन फाइनली डन सो इट इज ऑल्सो शोइंग अप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर एंड हियर इट इज शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लुरल सो सेंटेंस वी हैव टू शो इन द सबजेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट वॉट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड इन द नंबर ऑफ अ पर्सन और नंबर ऑफ अ थिंग सो इट कैन बी क्लियरफुल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस टू बी स्पेसिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बताने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और उनका जितना नंबर है और उनका जितना भी उसमें सिंगुलर हो रहा है प्लूरल हो रहा है ये सब बताकर लिखना है सेंटेंस को तभी हमें क्लियर होगा कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस टेक राइट इन देंटेंस इफ़ करेक्ट एंड क्रॉस इट इज़ इन करेक्ट हम यहाँ पर सेंटेंस के आगे राइट right या रोंग लगाना है और हमें बताना है कि सेंटेंस सही है तो हम उस पर राइट लगा देंगे और सेंटेंस लॉन्ग होगा तो हम उस पर क्रॉस कर देंगे नाउ फर्स्ट वन इज टेन किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस तो हम यहाँ पर किलोमीटर्स के साथ आर यूज़ नहीं करते हैं सो इट इज़ अ रोंग सेंटेंस तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस में यू आर गोइंग टू पुट अप द क्रॉस द अकाउंटेंट एंड द कैशियर वर्ड एब्सकाउेंट सो इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट्स क्रॉस इट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस गुलीवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट इट इज ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस द कमिटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट सो इट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस सो फर्स्ट वाले में आपको क्रॉस कर देना है और बाकी के फोर में यू हैव टू करेक्ट राइट नाउ कम टू पेज नंबर फिफ्टी सिक्स फॉर द नेक्स्ट वन मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल नो यहाँ पे आर रॉन्ग यूज किया गया है दैट्स वाई यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे ईच ऑफ दिज फ्यूल्स आर फाउंड इन इंडिया ईच फ्यूल्स का कोई नंबर नहीं होता सो so, इधर पर भी हम क्रॉस कर देंगे नीदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम इट इज अ करेक्ट सेंटेंस नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर बी अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब इन दीज सेंटेंसेज अब हमें करेक्ट वर्ब को इन सेंटेंसेज में अंडरलाइन करना है यहाँ पे दो वर्ब्स दिए हैं हमें करेक्ट वन को अंडरलाइन करना है द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स Such as to cause anxiety to his creditors. The state of his affairs was. Are your father and mother at home? Ya, is your father? So, because two persons ki baat hai. the rise and fall of the tide is due to moon's pull. The ship with its crew has reached the port. Sanskrit as well as Arabic is taught here. No nook or crook left unexplored. Was left unexplored. Neither blame nor praise seems to affect him. The news is true. So, we have underlined the correct verb in these sentences and now we have done with our vocabulary section sorry grammar section hamara complete oji vocabulary plus grammar both now in the next video we will continue forward to the writing section